आप हम जैसे युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपका धन्यवाद करेगी। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी, लोगों को अब उसकी कीमत समझ आने लगी है। एक सीए होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसका बहुत सारा फायदा है। मेरा सर आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वोट बैंक की परवाह किए बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं। जय हिंद। बहुत सरल सा जवाब है, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता हूं। देखिए, समाज जीवन में आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि जब हमारी सरकार बनी तब हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे, पूरे विश्व में हम 10वें नंबर पे थे, आज हम 6ठे नंबर पे पहुंच गए। 4 साल में 10 में से 6 नंबर पे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं होगा ये खबर आएगी कि भारत अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है। दुनिया के समृद्ध देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसके पास है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज हमारी सरकार के समय लोकार्पण हुआ, किसको गर्व नहीं होगा? पहले की तुलना में जब हम आए 2014 में, देश में 38% सैनिटेशन था, शौचालय थे, ग्रामीण शौचालय 38%, आज 98% हो गया। जब हम आए तब देश के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, आज करीब करीब देश के सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जितने बैंक अकाउंट खुले हैं उसके आधे अकेले मोदी के राज में खुले हैं। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है, काली मजदूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं वो करने में कभी पीछे नहीं रहूंगा। जी।